फाइनली आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है कक्षा 12वीं जो है फिजिक्स का जो है वायरल क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में सीधे यहां पर लड़ने वाला है। यहां पर आप लोग देख लीजिए फिजिक्स की जो आपका सितंबर की मासिक परीक्षा 2024 में जो जो बच्चे शामिल होने वाले हैं और यह परीक्षा आपका जो है दिनांक जो है 23 तारीख का जो है प्रथम पाली में परीक्षा होने वाली है। आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ही खास है और हाँ याद ना सितंबर माह की मासिक परीक्षा में पास होना अनिवार्य है, सभी विद्यार्थी को ये ध्यान रखना है ना। यदि कोई परीक्षार्थी है ना अगर आप लोग मासिक परीक्षा में शामिल नहीं होंगे तो वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए जो है आपका फाइनल एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 2025 का आपका फाइनल एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा, इसलिए सभी विद्यार्थी को है ना ये आपको ध्यान रखना है। आपको मासिक परीक्षा में तो शामिल होना ही है होना है, ठीक है, मासिक परीक्षा में तो शामिल होना ही होना है और साथ ही है ना और पास होना भी आपके लिए जो है अनिवार्य है। यहां पर आप लोग देख लीजिए क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 के बारे में जो है आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और 100% आपका परीक्षा में यहां से लड़ने वाला क्वेश्चन है ना। और कमाल की वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले सभी विद्यार्थी लाइक जरूर कर लीजिएगा है ना और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे आप लोग परीक्षा हॉल में बैठोगे हम आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पूरा फिर से जो है ना दोबारा सॉल्यूशन करवाएंगे तो आप लोग लाइव भी जुड़कर सॉल्यूशन देख पाओगे। इसलिए सभी विद्यार्थियों को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन परीक्षा में टकराएगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर आप लोग देख लीजिए पूर्णांक आपका 50 मार्क्स की परीक्षा होगा, समय जो है आपका 1 घंटा 30 मिनट जो है समय दिया जाएगा। ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आप सभी विद्यार्थियों को जो है जानना आवश्यक है। सबसे खास जानकारी यहां पर आप लोग देख लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है, कितना 30, यहां देखिए प्रश्न के 1 से 30 जो है प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया जाएगा जिनमें से कोई एक सही रहेगा। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प एमआर शीट पर आपको काला या वॉल पेन से जो है ना कलम से आपको चिन्हित करना, 25 प्रश्न का जवाब देना है ना। 30 में से कितने प्रश्न का जवाब देना है, सिर्फ और सिर्फ 25 प्रश्न, और 5 क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन आपको कोई भी छोड़ देना है, ठीक है। और यही वार्षिक परीक्षा में आपका जो है ना वार्षिक परीक्षा में कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो वार्षिक परीक्षा में आपका 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा है ना, जिसमें से मात्र और मात्र 35 का जवाब देना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आप लोग जितने स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट आंसर लगाते जरूर चलिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको जो है ना मासिक परीक्षा में पास होना आवश्यक है, तभी तो एग्जाम में जाकर एकदम कमाल मचाओगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, उपकरण है ना, उपकरण है ना पूछा जा रहा है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की जो है प्रकृति का पता है ना लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, बताओ जरा उसको क्या कहते हैं। आपके पास यहां पर देखिए 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, ऑप्शन देखो विद्युत रोधी दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया विद्युत दर्शी, ऑप्शन सी आपका विद्युत मोटर, ऑप्शन डी दिया गया है आमीटर की बात हो रही है। चलिए सभी स्टूडेंट जितने स्टूडेंट है जो स्टूडेंट जब भी यह वीडियो देखिएगा आप लोग चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन आप लोग आंसर लगाते जाइएगा, इसका सही जवाब होगा आपका पहले स्टूडेंट जो है ना विद्युत जो है दर्शी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से याद रख लीजिए, ठीक है, यानी है ना पूछा जा रहा है क्या उपकरण जिसकी सहायता किसी वस्तु पर जो है आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, विद्युत दर्शी, ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान से सभी स्टूडेंट आंसर लगाते जाइए। 2 आवेशित कण प्रत्येक पर जो अगर 2 माइक्रो जो है कूलम आवेश है ना, ये आवेशित कण पर अगर 0.5 मीटर से अलग जो है ना निर्वात में रखे हैं और है ना पूछा जा रहा है क्या इनके जो है बीच लगने वाला कूलम बल कितना होगा, इसके बीच जो लगने वाला कूलम बल होगा पहले स्टूडेंट ये आपका निकल जाएगा है ना 0.144N हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन सा चित्र जो है एकल धनात्मक आवेश के जो है कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है। देखो एकल की बात हो रही है ना, किसकी बात हो, एकल है ना, तो एकल का मतलब हो गया स्टूडेंट जैसे है ना ये सब डायरेक्शन में जाएगा तो इसको कहते हैं एकल। तो यहां पर देखो दिख रहा है 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विद्युत फ्लक्स का जो विमीय सूत्र पूछा गया है, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका विमीय सूत्र होता है M1 L3 T-3 और A-1 होता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपके परीक्षा के लिए जबरदस्त क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन सीधे टकराने वाला है। और हाँ सभी स्टूडेंट एक बार जय मां सरस्वती का चैट सेक्शन में गूंज होना चाहिए और अभी के अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग जो है ना एग्जाम 2025 का भी लीजिए, जो है डेली क्लास चलती है 7 बजे और रात्रि 9 बजे, तो डेली क्लास में भी जुड़िए और अपना तैयारी लेवल एकदम जबरदस्त कर लेना है। क्वेश्चन 5 पूछा जा रहा है क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत तल के किसी बिंदु है ना किसी बिंदु पर है ना द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के जो बीच का जो कोण जो होता है ये पूछा जाए कितना डिग्री का कोण होता है, ये आपका 90 डिग्री का कोण होता है, कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या, स्थिर विद्युत जो गॉस नियम में जो है शामिल गॉसियन सतह की जो है प्रकृति क्या होती है, इसकी प्रकृति पहले बच्चों क्या होती है, वेक्टर होती है, क्या होती है, वेक्टर होती है, सदिश होती है, उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर है ना, क्वेश्चन नंबर देखो क्या पूछा जा रहा है ना,
देखो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कट है ना, यहाँ पर कहा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V पूछा जा रहा है क्या होगा, तो यहाँ पर इसका होगा E बराबर क्या होता है, मैंने dV बटा R हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न क्या है, दर्शाए गए समांतर प्लेट और संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है, कुल आवेश की बात हो रही है, ये आपका 0 होता है, बढ़िया से याद रखना, ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें जरा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, यहाँ पर बात हो रही क्या, समांतर प्लेट और संधारित्र के प्लेट के बीच जब प्रवैद्युत पदार्थ रखा जाता है तब उसकी धारिता क्या होती है, क्वालिटी थोड़ा अगर नहीं भी दिख रहा है तो बढ़िया से देख लीजिए, इसकी जो पहले स्टूडेंट जो इसकी जो धारिता जो होती है आपका इंक्रीज करती है, याद रखना बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, विद्युत द्विध्रुव की जो है स्थितिज ऊर्जा जो अधिकतम होती है जब यह है ना, जब यह जो है विद्युत क्षेत्र के साथ जो है कोण बनाता है, अब बताओ कौन सा डिग्री का कोण बनाएगा, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, यह आपका पहले जो 3π/2 इसका मतलब हो गया पहले जो 3 × 180/2 यह आपका कटेगा कितना हो गया 90 है ना, और यह आपका पहले बच्चों है ना 3 × क्या होगा पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, इसको कट करेगा तो कितना होगा 90, 270 डिग्री हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिकतम जो होगा जाएगा आपका है ना 3π/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर प्रश्न है, वान डी ग्राफ जनरेटर एक जो है यंत्र है जिसके द्वारा बनाया जाता है, जिसके द्वारा जो है ना क्या बनाया जाता है, उच्च विभव हाई वोल्टेज बनाया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा है ना। सभी स्टूडेंट अभी के अभी बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए, जो जो बच्चे बाद में देख रहे हो है ना, सब जिनके पास मेरा वीडियो पहुंच रहा है सभी बच्चे अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम याद रखिएगा एजुकेशन गैलेक्सी, डेली क्लास कीजिए और अपना तैयारी लेवल एकदम जबरदस्त कर लेना है। संधारित्र निम्न में से पूछा जा रहा है किस धारा को रोक देता है, तो संधारित्र जो है किस धारा को रोक देता है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका डीसी को रोक देता है, तो उत्तर क्या होगा बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, बस तीसरी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव उसके बाद सब्जेक्टिव भी बताऊंगा। एक इलेक्ट्रॉन जो एक वोल्ट विभवांतर पर जो है विराम से जो है त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण अगर एक वोल्ट से अगर विराम से अगर त्वरित किया जाता है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल निकल के आएगा, उत्तर क्या होगा मेरे बच्चों है ना 13 का बी ऑप्शन एकदम 100% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विद्युत द्विध्रुव के लंबवत तल के किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान क्या होता है, किसी लंबा है ना विद्युत द्विध्रुव की जो लंबवत तल के जो है किसी बिंदु पर जो विद्युतीय विभव जो होता है इसका मान पूछा जा रहा है क्या होता है, ये आपका 0 होता है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है जानकारी प्रदान करती है, अब ये बताना आपको क्या जानकारी प्रदान करती है, ये जो है ना विद्युत क्षेत्र है ना विद्युत क्षेत्र के प्रबलता को भी जो है ये है ना जानकारी प्रदान करती है ना, क्षेत्र रेखाएं है ना विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिशा को भी और आवेश की प्रकृति भी, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन को क्या है, मुक्त स्थान की जो है ना परमेयता की जो अंतरराष्ट्रीय है ना अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक पूछा जा रहा है क्या होता है, ये आपका होता है C²(n-1) और m-2 हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए आराम से इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा परीक्षा में बैठने से पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पर देखो 17 का आंसर दीजिए, आवेशित चालक के जो है ना आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है पहले स्टूडेंट ये आपका सतह के लंबवत होती है, तो उत्तर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जरा, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा है ना विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युतीय विभव वी के बीच जो है संबंध क्या होगा, इसके बीच का रिलेशन पूछा जा रहा है क्या होगा है ना। चलिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा है ना, यहां पर देखो थोड़ा सा जो है ना, अच्छा देखो है ना ये हो गया पहले स्टूडेंट है ना, यहाँ देखो 17 नंबर हो गया और यहाँ से फिर से 7 आ गया ना, जो उस समय जो क्वेश्चन आपका जो है ना 7 नंबर जो नहीं दिखा था यही था क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव V के बीच संबंध हमने आपको बताया था ना, ई बराबर माइनस डी वी बटा डी आर है ना, तो यहाँ तक आपको बाकी सारे 17 तक तो यहाँ तक हो ही गया है, 18 नंबर क्वेश्चन से आगे चलेंगे। हाँ यहाँ देखो 18 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे पीछे है ना PDF बना हुआ, कोई बात नहीं। एक इलेक्ट्रॉन जिसका जो आवेश ई है और विद्युत क्षेत्र ई में अगर रखा जाता है, इस पर जो है अनुभव किया जाने वाला बल क्या हो, इस पर जो अनुभव किया जाने वाला बल जो होता है पहले स्टूडेंट है ना ये आपका स्मॉल ई कैपिटल ई हो जाएगा, तो 18 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 19वां प्रश्न क्या है ना, 19वां प्रश्न है, दो बिंदु आवेश जिसमें आपका प्लस जो है 1 μC -1 μC एक दूसरे से अगर है ना 100 एंगस्ट्रम जो है दूरी पर है, तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जा रहा है क्या होता है, ये आपका हो जाएगा 10⁻¹⁴ जो है ना मीटर में निकल के आएगा, तो उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनंत जो है गैर संवाहक पतली सीट के कारण जो है सीट की है ना सीट के बाहर जो है किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा, सीट के बाहर पूछा जा रहा है पहले बच्चों, तो ये आपका क्या होता है ई बराबर है ना σ/2ε₀ हो जाएगा, तो उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 21 नंबर, बस बहुत कम प्रश्न बच रहा है, आराम से पूरा वीडियो देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक गोलीय सतह के अंदर जो एक विद्युत द्विध्रुव है, गोलीय सतह से गुजर वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है, कुल विद्युत फ्लक्स जो है यहां पर पूछा जा रहा है क्या होता है, ये आपका 0 होता है, ध्यान रखना ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बोल्ट जो है ना समतुल्य क्या होता है, एक बोल्ट समतुल्य होता है पहले बच्चों 1 जूल
जूल बटा कुलाम होता है, तो जूल बटा कुलाम को हम लिख सकते हैं जे बटा सी ऑप्शन, या इसको हम लिख सकते हैं जे सी इनवर्स। ये ध्यान रखना, इस तरह याद रखना, ऑप्शन सी होगा। एकांक आवेश की जो है समविभवी सतह के बिंदु पी से दूरी है ना क्यू तक ले जा, है ना, ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका कार्य जीरो होता है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जो है ना ध्रुवीय अणु है, ध्रुवीय अणु की बात हो रही है, तो आपको याद ना HCl हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है क्या, किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रवैधता ER जो होता है ये पूछा जा रहा है, क्या होता है, E बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आवेश की बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा क्या होता है, ET होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। एक संधारित की धारिता क्या होगी यदि इस पर जो है 9C पर 9 कुलाम का आवेश तथा 5 वोल्ट विभवांतर है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपका 1. जो है ना 8 फैराड हो जाएगा, तो उत्तर क्या होगा 27 का ए ऑप्शन होगा। 28 में प्रश्न है, धातु के लिए जो है प्रवैधुत नियतांक क्या होता है, धातु के लिए क्या होता है, धातु के लिए इन्फिनाइट होता है, धातु के लिए पहले स्टूडेंट जो है ये क्या होता है, इसका नियतांक इन्फिनाइट होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर प्रश्न है, 1/4 pi epsilon naught का मान क्या होता है, इसका मान होता है 9 × 10^9 जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, कुलाम स्क्वायर होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे अच्छा कुचालक है, सबसे अच्छा कुचालक जो होता है क्या होता है, एबोनाइट होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों ने 30 में से कितना करेक्ट किए हैं। और हाँ, ऑब्जेक्टिव हमने आपको पूरा करवा दिया, ये आपका कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, है ना, ये इस प्रकार रहने वाला है। तो अब बोलो सर इसका आंसर की कहां पर मिलेगा, सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर की के लिए आपको ना गूगल में और टाइप कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी, बढ़िया से देख लीजिए आखिर आपको टाइप क्या करना है। जैसे एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप करोगे, यहां पर आपका होम एजुकेशन गैलेक्सी दिखेगा, आपको सिंपली यहां पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप सभी विद्यार्थी को क्या करना है, यहां एक ऑप्शन दिख जाएगा लेटेस्ट अपडेट्स, यहां से आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, या आप लोग क्लास 12th जो है यहां पर आप लोग देख लीजिए, क्लास 12th वाले सेक्शन में दिख जाएगा आपको सितंबर माह का, यहां पर आप लोग सिंपली क्लिक करोगे, ठीक है, यहां क्लिक करोगे यहां पर आपका दिख जाएगा क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा। उसके बाद आपका पूरा जानकारी यहां पर जो है ना 23 सितंबर से लेकर 30 तक आपका परीक्षा पूरा विवरण यहां पर दिया गया है, और यहां पर आपका आंसर की मिलेगा, और यहीं से आपका डाउनलोड करना है, और यहीं से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, और यहां पर आप लोग देख लीजिए, है ना, डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, यहां से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक हियर में क्लिक करोगे आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस तरह खुल के आ जाएगा, आराम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट है अभी आपको एजुकेशन गैलेक्सी आपको टाइप कर लेना है, और फटाफट आप लोग जो है ना वायरल को जितने भी आपका मासिक परीक्षा होगा, ठीक है, सबका जो है ना, और जिनका भी आंसर अपडेट नहीं रहेगा, है ना, आप लोग एग्जाम हॉल में भी बैठे रहोगे तब आप लोग आकर टाइप कीजिएगा, तब तक आपका आंसर अपडेट मिल जाएगा, घबराने की नहीं, है ना, बात है, और 100% करेक्ट आंसर की यहाँ पर मिलेगा, ध्यान रखना है। तो इसलिए आप लोग हमेशा विजिट कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी में, और लाइक जरूर कर लेना है, और जितने नए विद्यार्थी देख रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर कीजिए, और फटाफट आप लोग वायरल क्वेश्चन और आंसर की प्राप्त कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अभी के अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका हम लाइव आकर सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन करवाएंगे, तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय सभी को।